मामला जी बहुत माड़ा होया। मेरे भरा सीगे संडू साहब, मेरे ख्याल से ये 2 साल हो गए गया नूं। इन्हां नूं बेटा पहला गया सीगा, बाद च गए ने, ते उत्थे किसी ने गोली मारती इन्हां दी। ये वाक अज 4 बजे दा। हाँ जी, उत्थे 2 सालां तों गए होए सीगे जी। गोली जी पता नहीं, कुछ कह नहीं सकते है कि ने मारी है, हजे कुछ पता नहीं लग रहा है। काम जी उधर एक ही काम है, बस फाइनेंस का ही काम है। उधर सारे जिहड़े भी पंजाबी जाते हैं फाइनेंस का ही काम करते हैं उधर जाके। ये फिलीपीन मनीला च ने। परिवार च जी एक इन्हां दा बेटा है, 2 बेटियां ने, पत्नी है, बहू है। बस बॉडी सरकार मदद करे, सरकार मदद करे बॉडी लिआउण दे विच। बॉडी इत्थे आवे, माड़े भागां नूं लोक माड़े कर्मां नूं जांदे ने जी इत्थों बाहर देश, अपने बच्चों का भविख बनाने वास्ते। उधर जां हार्ट अटैक हो जाता जां गोली का शिकार हो जाते हैं, इधर नालों भी जाते रहते हैं। बेनती है सरकार अगे भी बॉडी लिआउण दे विच मदद की जाए। देखो इस इलाके के कौंसलर पति होंदे नाते जो मैनूं पता लग्गिया, साढ़े महल्ले दे विच सा गुरदेव सिंह जी जो कि बाहले मुल्क फिलपाइन मनीला विखे गए ने कारोबार के सिलसिले, तो जो सानू पता लग्या इतने इन्हों के घर आए चीख चिंगाड़ा पिया, पता लग्या उन्होंने उत्थे गोली मार के कहते कतल कर दिता गया। सो जो असी आके घर देखिया तो वाकई बड़ी दर्दनाक घटना हुई है बाहले मुल्क। सो बेनती करते हैं सरकार नू ते विदेश मंत्रालय नू कि उन्हां दी जो पार्थिव शरीर है डेड बॉडी है उन्हें लियाण च सरकार मदद करे, क्योंकि आखिरी ख्वाहिश होंदी है भी जिहड़े बंदे की डैथ हो जाती है भी उहदे पार्थिव शरीर के दर्शन परिवार वाले कर सकन, क्योंकि बहुत कहिंदे मुश्किल सिलसिला हुंदा है। विदेश मंत्रालय की इहदे च जरूरत भी है, उन्हां दी मंजूरियां लोड़ पैणगियां। सो मैं बेनती करांगा सरकार नूं, पंजाब सरकार नूं, ते नाल ही मैं बेनती करांगा सेंटर सरकार नूं भी जो फॉर्मैलिटी है जो भी इहनां दी परिवार की मदद की जाए ताकि ये अपने परिवार के जो अंतिम दर्शन कर सक। हाँ जी, कहिंदे कारोबार के सिलसिले च बाहर उत्थे गया, क्योंकि अजकल जिहड़ा कोई बाहर जाता अगला देखो कारोबार सिलसिले च ही जाते, जिन्हें भी आपां बाहर आपां पंजाब छड के जो दौड़ लगी है होड़ लगी है पंजाब नूं छड के जाण दी, उह सानूं सारिआं नूं पता भी उम्र पता है कुछ कि उम्र मेरे, क्योंकि देखो बहुत साढ़े बहुत सत्कार जो साहब गुरदेव सिंह मैं बचपन तो ही जानता, तो महल्ले पुराने वसनीक ने नंसी है मेरे, पिछले 25-30 सालों तो इत्थे रहिंदे ने, तो मेरे ख्याल उम्र भी उन्हों की 50-55 के गेट 55 साल की उम्र उन्होंने उम्र हैगी।